खून की जरूरत पड़ेगी, हमारी मानव दौलत की जरूरत पड़ेगी, हमारे बीवी बाल बच्चों की जरूरत पड़ेगी। हम इस देश के हिफाज के लिए, हम इस मुल्क के हिफाज के लिए, हम इस गांधी जी के मुल्क के हिफाज के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम तमाम लोगों का और पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद है और सब के सब यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर कोलवर और कोलवर से लेकर पीओ थाना, पीओ गांव, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों सब के सब शहीद को सलामी पेश कर रहे हैं, सब के सब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम उन तमाम लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उन तमाम लोगों की अब्दुल खैर रहमानी साहब की तरफ से शुक्र अदा करते हैं कि आपने शहीदों को जो सम्मान देनी थी, जो इज्जत देनी थी, जो अजमत देनी थी, जो चाहो जलालत देनी थी, जो अहमियत देनी थी, जो उसको ताज पहनाना था, जो उसको मालिक के अंदर सजाना था, जिनको नौशर बनाना था, यकीनन इनकी शादी नहीं हुई थी, ये गवाह चले गए, लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए हुराने परिश तैयार किए हुए हैं। ये असल सहाबा मुजाहिद है, यही दीन हक का मुजाहिद है, ये इस्लाम का मुजाहिद है, ये वतन परस्त है, ये हिंदुस्तान की गंगा चन्नी तहजीब का आलम बरदार है। और इसने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी, हजारों ऐसे मुजाहिद तैयार होंगे जो इस कौम की हिफाजत करेंगे, जो इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, जो इस कौम के संविधान की हिफाजत करेंगे और जितने भी हमारे फोर्स है उन तमाम को सलामी पेश करेंगे, उन तमाम के शाना बशाना रह कर चलेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तुमने अभी हमें पहचाना कहा, दुश्मनान इस्लाम आतंकवादी तुमने हमें पहचाना कहा है, हम कौन है, हमारे नजरिए अलग हो सकते हैं, हम रहने सहने के दबाव से, अपनी इबादत के दबाव से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर विशिष्ट मजहब के हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने हमारे मुल्क की तरफ निगाह उठाकर देखा, अगर तुमने हमारी तरफ बदरे नजरे पद की, तो फिर जान लो ये इतिहास तमाम के तमाम एक हो जाएंगे और हम सब के सब मिलकर के तुमको भगाकर गिरेंगे। हिंदुस्तान की आजादी की तारीख तुम्हें मालूम है, जिस तरह अंग्रेजों का नफाक साया हद पड़ा था और हम सब ने मिलकर के यकसा तौर पर अपनी जान की बाजी लुटा दी और हजारों हमारे जवान शहीद हुए और सब ने शहादत को नोश फरमाया, बिला आखिर इस मुल्क को हमने आजाद कराया और ये मुल्क आजाद होकर के रहा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता होकर के रहा, ये गंगा जमनी तहजीब बन करके रहा, क्यामत तक ये मुल्क ऐसा ही रहेगा और क्यामत तक ये गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क आनंद बढ़ता रहेगा और हम सब के सब मिलकर के भाई भाई रहेंगे। और जब भी जरूरत पड़ेगी मेरे मोहतरम, कौम का हर फर्द, हर बच्चा, हर माँ ऐसे बच्चे को जवान देगी जो वीर मुजाहिद होगा और वीर मुजाहिद की तरह लगने के बावजूद वो दम तड़प तड़प कर तो अपनी जान दे सकता होगा, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा सरफरोश रहेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का। मेरे मोहतरम पुत्र को दोस्तों, आतंकवादियों, इस्लाम पर बुरी नजर रखने वालों, तुम जर्रा बराबर तुम्हारे पास खबर नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के पास कितनी कुव्वत है, कितनी इत्तेहाद है, कितने फोर्सेस है, लेकिन शुगर मनाओ कि ये हिंदुस्तान हमारे उस गांधी जी का मुल्क है जिनको अमन पसंद था, जो चैन का दर्श देते थे, जो बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक रखा करते थे और जो तमाम को मिलकर के भाई भाई के साथ रहा करते थे, इस बुनियाद पर हम तुम्हें छोड़े जा रहे हैं, वरना आज हमारे पास इतनी ताकत है, आज हिंदुस्तान के पास इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, इतनी जुवत है, इतने जवान मर्द सिपाही है, इतने बहादुर है कि मिनटों सेकंड के अंदर दुश्मन ने हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, आतंकवादी का, जो हमारे पर हमला कर रहे हैं उन तमाम का मिनटों सेकंड के अंदर खात्मा करके रखते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, वो बाप जिन्होंने इस शेर मुजाहिद को, वीर मुजाहिद को जन्म दिया है और जिनका सीना और फख्र से चौड़ा हो रहा है, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी या कोई भी उनको देख रहे होंगे, तो उनसे मैं इंतहाई मोहतबराना दरखास्त करता हूं कि आप आए और मेरे पीछे आप आए। खबरें, नए कलेवर में खबरें जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mediadarbar.tv पर लॉगिन कर सकते हैं। क्या आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें मीडिया दरबार।
पास ही में बेल के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, पहले आपको खबरें मिल पाए। याद रखें, मीडिया दरबार, दमदार खबर हर बार।